गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज ये कोई फूड किसी चीज़ पे नहीं है, ये है आपकी नाइटमेयर्स पे. क्योंकि बहुत सारे लोगों को हॉरर वीडियो से जिनको डर लगता है वो ये वीडियो ना देखें, बट देख भी सकते हैं, इतने भी हॉरर नहीं है जितना आप सोच रहे हों. सो मैंने हॉरर फैक्ट्स पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं. मैं पहले हॉरर चैलेंजेस भी करती रहती थी, बट फिर ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया हॉरर वगैरह कुछ करना. बट हॉरर फैक्ट्स की बात तो कर ही सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारे हॉरर फैक्ट्स, जिनको सुन के आपको बिलीव नहीं होगा बट दे आर ऑलमोस्ट 99% ट्रू. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास जो फोटो है उसमें ये बताया गया है कि जब हम सो रहे होते हैं और सोते सोते सपने में हमको कोई भूत या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है. पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये कहना है कि एक ये रियल स्पिरिट है जो आपसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही होती है रात को, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी बहुत वीक होती है रात के टाइम पे. और एकदम से क्या होता है, अगर कोई स्पिरिट हमसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही होती है तो हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है और हमको फटाफट से उठा देती है ताकि कोई भी गलत चीज़ हमारे साथ ना हो सके और हमारी सेफ्टी के लिए. इस वजह से हमारे कभी भी बुरे सपने जो हम देखते हैं कभी पूरे नहीं हो पाते. आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता, उससे पहले ही हम उठ जाते हैं. तो थैंक यू हमारी स्पिरिट को कि उसने हमको सेफली रखा है आज तक और आगे भी रखेगा. तो आप लोग भी अपनी स्पिरिट को थैंक यू बोले कि आप लोग भी सेफ रहें. एक चीज़ पहले ही बोलना चाहती हूँ, ये सब गूगल से मिली हुई इमेजेस हैं, गूगल से रिलेटेड सारे कोट्स हैं, सारी लाइंस हैं. इसमें मैंने कुछ बना बुना के नहीं लिखा है, जो वहाँ लिखा है वही मैं बता रही हूँ. तो फिर बस यही बोलना था. तो सेकेंड इमेज वी हैव, इसमें भी यही है, सेम उसके जैसा है कि अगर हम सो रहे हैं, जैसे ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं सोते सोते की होती है. एक तो सोना ही एक इंसान का वो होता है कि यार रेस्ट मिलेगा, पता नहीं ये चीज़ें सोने से क्यों रिलेटेड है यार, सोने तो दो चैन से. तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे. तो सोना इसमें यह है कि अगर सोते हुए हमको अपने डेड रिलेटिव्स या डेड फ्रेंड्स दिखते हैं सपने में, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे रूम में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, हमको देख रहे हैं या हमसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं. बट ऐसा हो नहीं पाता, हम कांटेक्ट उनसे नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग मर गए होते हैं उन्हीं के सपने आप लोगों को, मतलब डेड पर्सन के सपने आना बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस होता है कि डेड पर्सन के अगर आपको सपने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं या फिर वो कहीं आपके आसपास ही हैं. वो स्पिरिट गुड भी हो सकती है, वो स्पिरिट बैड भी हो सकती है, दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है. सो हमने एनाबेल, कॉन्ज्यूरिंग, ये सारी मूवीज़ तो देखी हैं और हमको ये चीज़ भी पता है कि ये जो मूवीज़ हैं ये रियल इवेंट्स पे बेस्ड है. जो वॉरेन फैमिली है वो एक रियल घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे, है. और उन मूवीज़ में देखने को मिला है कि उन्होंने काफ़ी सारे केसेस जो हैं पूरे करे हैं, कैसे कैसे उन्होंने रियल फुटेजेस भी दिखाई है कॉन्ज्यूरिंग एंड एनाबेल में, आपने देखी होंगी मूवीज़. सो एक एनाबेल डॉल से रिलेटेड है ये. 1970 में एक मदर थी जिन्होंने एन डॉल खरीदी, NANN डॉल परचेज करी थी अपनी डॉटर को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए. और थोड़े टाइम के बाद उनको ये डिस्कवर होता है कि वो जो डॉल है वो अपने आप मूव हो सकती है, वो लिख सकती है. मतलब उनको कुछ पेपर्स वगैरह मिलते थे लिखे हुए अपने आप ही, ना उनकी बेटी ने लिखा होता था ना किसी और ने लिखा होता था वो चीज़. मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस करा है कि यार उस डॉल की वजह से काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. उस डॉल को उन्होंने ऑकल्ट म्यूज़ियम में, जो कहते हैं जिन्होंने वैरन फैमिली में सारे जो भूतिया चीज़ें रखी हुई हैं वो उन्होंने उस म्यूज़ियम में संभाल के डॉल रख दी. और कहते हैं आज भी वो जो डॉल है वो ग्लास के थ्रू थोड़ी सी ऐसे मूव कर सकती है और लोगों को अजीब तरीके से स्टेयर करती है, मतलब एकदम
अगर अलग है एकदम अलग है कभी और एक पल में एकदम अलग हो जाती है। ये चीज़ भी एनिमल डॉल एनिमल मूवी में फर्स्ट उसमें दिखाई गई थी जिसमें वो एक छोटी बच्ची वाला दिखाया था। सो मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि मैं थोड़ी सी डर गई थी। ये हो गई हमारी एनिमल एंड कंजूरिंग की बात। आई थिंक कंजूरिंग मूवी तो सबने देखी होगी, जिस जिसने कंजूरिंग मूवी नहीं देखी वो कमेंट कर दो। फोर्थ फोटो है हमारे पास जो भी रात से रिलेटेड आ गई है, मतलब रात में नहीं जीना है, नहीं चैन से रहने देना है। ओके सो इसमें ये है, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मेरी ना थोड़ी सी जबान लड़खड़ा जाती है जब र र के वर्ड्स ऐसे आते हैं, सो प्लीज़ इग्नोर। ओके इसमें यह है कि जो स्पिरिट्स होती हैं या फिर कुछ भी होता है वो ज़्यादातर एक्टिव होती हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी प्लेस पे, मतलब जैसे एयर कंडीशन रूम होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, ठंडी होती है, ऐसे कहते हैं आत्माएं ठंडी होती हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं बट कहते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ठंडे उसमें हो, बहुत ही ज़्यादा ही ठंडा प्लेस है, एकदम से आप किसी ठंडे प्लेस में विज़िट करते हो, मतलब अननेचुरल ठंडा है वो ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्पिरिट मौजूद है आपके आसपास की। अगर आप कहीं गए हो, सपोज़ आप कहीं गए हो घूमने और एकदम से आप गर्मी से एकदम ठंड में आपको लगने लग जाए एरिया, क्या ठंडा ठंडा कैसे हो गया, समझ जाओ फिर क्या है वहाँ पे। सो फटाफट निकल जाना वहाँ से, ये नहीं ठंडे के मज़े लेने लग जाओ। फिफ्थ वाला बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है। सो इसमें है कि भाई बोलते हुए डर लग रहा है, इसमें है एक आदमी होता है उसका अपनी वाइफ से ना ऑलमोस्ट डेली झगड़ा होता रहता है, मतलब उसकी बंदी नहीं थी उसकी वाइफ के साथ और उनका एक बेटा भी होता था। तो क्या होता है कि फाइट इतनी बढ़ जाती है कि वो बंदा अपनी वाइफ को मार देता है, जान से ही मार देता है। वो बंदा वेट करता है जब तक उसका बेटा सो नहीं जाता, तब तक वो उसकी बॉडी को थोड़ा छुपा के रखेगा घर में। फिर उसका बेटा सो जाता है तो वो क्या करता है, उसकी लाश को अपनी बैक पे कैरी करता है एंड फॉरेस्ट में जाता है और वहीं पे उसको गाड़ देता है। बट उसको थोड़ा सा डर ये होता था कि उसका बेटा किसी दिन ये ना पूछे कि उसकी मदर कहाँ गई, कहाँ है मॉम। तो होते हैं ना बच्चे थोड़े से कि लोगों को फ़ोन कर देते हैं कि मेरी मॉम नहीं आई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बेटे ने कुछ नहीं बोला कि मम्मी कहाँ है या फिर जो भी है। 3 हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो उसका बेटा ना अपने पापा को ऐसे देख रहा होता है, मतलब एक अलग नज़र से देख रहा होता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो कहता सन कि मैं आपसे ये चीज़ पूछना नहीं चाहता था, बट ये चीज़ अब मेरे को थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है कि आप हर रोज़ अब मॉम को अपनी बैग पे कैरी करके क्यों घूमते रहते हो। ये चीज़ कितनी ज़्यादा डरावनी है कि मतलब जब उसकी डेथ हुई तो इसका मतलब ही इज़ कैरिंग हिज वाइफ ऑन हिज शोल्डर, और कब से। तो उसी वक्त वो बंदा एकदम साइलेंट हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। बस इतने ही थी, बट दिस इज सो क्रीपी। कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे सोने की पीसफुली। ओके सो लास्ट वन वी हैव इज वेरोनिका। वेरोनिका एक मूवी है, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ओके सो इस मूवी का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका नेटफ्लिक्स पर इस वक्त अवेलेबल है, मैंने देखी हुई है आज से, मतलब एक साल पहले मैंने वेरोनिका देखी थी और लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैं सच्ची में 2 दिन तक नहीं सोई थी। एक वेरोनिका जिससे मैं 2 दिन नहीं सोई थी एंड एक सबरीना जिससे मैं 4 दिन नहीं सो पाई थी। सबरीना तो वेरोनिका से भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट वेरोनिका, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्केरियस्ट फिल्म है जो आज तक बनी है और लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो एंडिंग तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले ही वो टीवी वगैरह बंद कर देते हैं, मूवी ख़त्म कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि 100 पीपल में से सिर्फ एक बंदा है, मतलब 100 पीपल में से सिर्फ एक बंदा ही होगा ऐसा जो देख पाता होगा मूवी, और उनके लिए बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है मूवी, जो बहुत ही ज़्यादा वीक हार्टेड हैं, जो जिनका हार्ट बहुत जल्दी एकदम से एकदम स्केरी कुछ आता है तो डर जाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं तो इतनी सारी हॉरर बातें करते करते मुझे ऐसा लगता है कि रात को मेरा सोना भी आज थोड़ा मुश्किल होने वाला है। आपको ये
रिलैक्सिंग मतलब सिट एंड रिलैक्स वीडियो अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ये देख के. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आएगी. तब तक के लिए बाय.